अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज हम आपके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत मज़े की और इजी और बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, जिसके लिए मैंने लिया है कोतमीर एक गड्डी और आधी गड्डी पुदीना लिया है मैंने, कौली कौली डंडी थी वो भी मैंने डाल दिया इसके साथ। ठीक है, और कड़ी पत्ता लिया है मैंने, कौले वाले पत्ते मैंने लिया है, और नारियल लिया है मैंने, हरी मिर्ची आपको जितना तेज लगे आप उतनी हरी मिर्ची डाल दें, और आधा चम्मच जीरा, लहसुन के छः से सात ये लहसुन, और 1 टेबल स्पून भुनी हुई चने जो हम चटनी में इस्तेमाल करते हैं वो वाला लेना है। ठीक है, नारियल को बारीक बारीक कट करते हैं और मिक्सर में इन सब को एक साथ पीस लेते हैं। ठीक है, और ये चटनी इतनी अच्छी टेस्टी होती है, इसको आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं, जी के साथ तो क्या कहने, मज़ा ही आ जाएगा। रमज़ान में भी आप बना के ये रख लेंगे ना तो बहुत ही आपका काम आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये सब अभी हमने डाल दिए, अभी इसी के साथ साथ ये पुदीना, कोतमीर, ठीक है, अब बिना पानी के पीसना है हमको ताकि चटनी हमारी एकदम अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी बने। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी में हमें थोड़ा सी नमक ऐड करना है। ठीक है, नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा ताकि हमारी चटनी काली ना हो। पहले मैं थोड़ा सी डाल देती हूँ, उसके बाद चेक करके डाला जाएगा। और उसी में हमें निचोड़ना है नींबू, पाव टुकड़ा है, बाद में आप और डाल देना, ठीक है, या आधा नींबू निचोड़ देते हैं। ये देखिए एक और, बिस्मिल्लाह, तीखी तीखी खट्टी खट्टी नमकीन सी चटनी बहुत मजे की बनेगी, इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करना। ये देखिए हमारी फर्स्ट क्लास झटपट से चटनी बनकर ग्रीन रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत मज़े की लग रही है, तेज तेज खट्टी खट्टी, है ना, झट से बन जाने वाली रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई, कलर देखिए इसका माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है ना। आपको ये अगर रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नसीम ब्लॉग्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।